नमस्कार दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड का लेक्चर नंबर 2 है जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं। और इस लेक्चर सीरीज में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिविल प्रक्रिया संहिता में कुछ क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको जनरली यूज किया जाता है कोर्ट्स के द्वारा। और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे एडजुडिक्शन क्या है, न्यायिक निर्णय, प्लेंट अभियोग किसको कहते हैं, प्लीडर यानी अभिवचन किसको कहते हैं, एफिडेविट शपथ पत्र क्या होता है, सिविल राइट्स नागरिक अधिकार क्या है, कॉज ऑफ एक्शन कार्यवाही का कारण क्या है, फैक्ट्स इन इशू तत्काल प्रश्न क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या होता है, क्षेत्राधिकार क्या होता है न्यायालय का, डिग्री या हुक्मनामा क्या है, इंडिजेंट पर्सन या अभागा व्यक्ति किसको कहते हैं, रेप्लिकेशन या प्रतिकृति क्या होती है, रिजॉइंडर या प्रतिउत्तर क्या होता है, प्राइमा फेसी या कॉज प्रत्यक्षता क्या है, प्राइमा फेसी या केस यानी कि प्रत्यक्षता क्या हो रहा है उसके बारे में, कॉग्निजेंस क्या है, संज्ञान क्या है, काउंटर क्लेम जवाबी दावा क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो टर्म है एडजुडिक्शन, न्यायिक निर्णय। द मीनिंग ऑफ एडजुकेट इज मेक अ डिसीजन बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन अ मैटर और इशू इन एनी कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी वाद में किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है उसको ही एडजुडिक्शन या न्यायिक निर्णय कहा जाता है। तो अगर कोई वाद है और उसमें कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब ऐसा न्यायालय, ऐसा अधिकारी जिसको उस वाद को सुनने और निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है और वो कोई निर्णय करता है, तो उसको हम लोग एडजुडिक्शन कहते हैं। दूसरा है प्लेंट या अभियोग किसको कहते हैं। इट इज द प्लेंटिफ्स क्लेम एंड हिज जस्टिफिकेशन इन प्लीडिंग। मतलब जब कोई सिविल कोर्ट में कोई भी केस तब शुरू होता है जब एक प्लेंटिफ, एक व्यक्ति अपना कंप्लेन लेकर आता है, तो जो क्लेम उसमें वो करता है कि ये क्लेम हमारा है, ये पर्टिकुलर भूमि या ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि किसी भी चल या अचल संपत्ति के बारे में वो बात कर रहा है, क्लेम कर रहा है, तो जो उसका क्लेम होता है उसी को हम लोग प्लेंट कहते हैं, अभियोग कहते हैं। प्लीडिंग क्या है, अभिवचन किसको कहते हैं। प्लीडिंग इज द प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। अब देखिए प्लेंट कौन लेकर आएगा, जिसने केस को इनिशिएट किया, जिसको हम वादी कहते हैं, प्लेंटिफ कहते हैं। और रिटन स्टेटमेंट कौन लेकर आएगा, जिसके खिलाफ उसने केस किया है तो उसको कोर्ट बुलाएगी, तो उसको डिफेंडेंट कहते हैं या प्रतिवादी कहते हैं, और प्रतिवादी रिटन स्टेटमेंट लेकर आता है। तो प्लेंट, जो प्लेंट दिया गया और जो रिटन स्टेटमेंट दिया गया दोनों पार्टीज के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लीडिंग कहते हैं। इट इज अ मैटर फॉर विच द पार्टीज प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। ये वो मैटर है जिसके लिए दो पार्टीज कोर्ट में आई हुई हैं। एफिडेविट किसको कहते हैं, शपथ पत्र क्या होता है। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट डिमॉन्स्ट्रेट्स योर प्लीडिंग इज ट्रू एंड दैट द पार्टी इज अवेयर ऑफ इट। एफिडेविट शपथ पत्र है जिसमें ये कहा जाता है कि जो भी हमने स्टेटमेंट दिया है अपने प्लीडिंग के थ्रू, जो भी उसमें तथ्य रखे हैं वो मेरी जानकारी में सत्य हैं, मेरी जानकारी में हैं और सत्य हैं। मतलब जो प्लेंट दिया गया प्लेंटिफ की जानकारी में, और जो WS दिया गया, रिटन स्टेटमेंट दिया गया डिफेंडेंट के द्वारा, वो दोनों अपनी शपथ पत्र द्वारा उसको प्रूफ करते हैं, बताते हैं। सिविल राइट्स क्या है, नागरिक अधिकार क्या है। दीज आर द राइट्स वी एंजॉय एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल। ये वो अधिकार हैं जो एक व्यक्ति, एक प्राइवेट व्यक्ति का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसके द्वारा जो राइट्स एंजॉय किए जाते हैं उसको सिविल राइट्स कहते हैं, जो जनरल नागरिकों को, हर एक नागरिक को मिला हुआ है, उसको नागरिक अधिकार कहते हैं। क्वेश्चन है कार्यवाही का कारण क्या है, कॉज ऑफ एक्शन, जो उसके बारे में बार बार किया जाता है कि आप अपने प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन लिखा होना चाहिए, नहीं तो आपका प्लेंट रद्द किया जा सकता है। द फैक्ट्स विच गिव राइज टू द सेट ऑफ एक्शन अगेंस्ट अदर पर्सन इज द कॉज ऑफ एक्शन। मतलब ऐसे फैक्ट्स को आप लेकर आइए, बताइए कि जिसके लिए दूसरे पर्सन को बुलाया जाए। आप एक एप्लीकेशन देते हैं और उसमें कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है कि किस कारण से आप ये प्लेंट लेकर आए हैं,
किस कारण से आपने ये क्लेम कर रहे हैं, अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो कॉज ऑफ एक्शन उसी को कहते हैं कि आपने किस कारण से ये प्लेंट लेके आया है, कारण क्या है उसका। फैक्ट्स इन इशू, तथ्य का प्रश्न, तो जब भी कोई इशू होता है उसमें क्या फैक्ट्स है। द फैक्ट्स विच आर अफर्म्ड बाई वन पार्टी एंड डिनाइड बाई अनदर पार्टी आर फैक्ट इन इशू। एक पार्टी जैसे वादी क्या फैक्ट लेकर आता है और प्रतिवादी उन्हीं फैक्ट को, उन्हीं तथ्यों को नकारता है, यही फैक्ट इन इशू है जिसके बारे में कोर्ट को डिसीजन करना है। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, क्षेत्राधिकार क्या होता है, इट मीन्स कॉम्पिटेंसी आर अथॉरिटी टू डिसाइड आर एडजुकेट अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। मतलब किसी कोर्ट को कोई वाद सुनने का अधिकार, कॉम्पिटेंसी, उसके पास कॉम्पिटेंसी है कि नहीं। तो अलग अलग कोर्ट्सों के पास अलग अलग अधिकार होते हैं, बहुत सारे स्मॉल कॉज होते हैं, बहुत ही बिग कॉज होते हैं, तो उनका डिसाइड किया जाता है कि आप कितने अमाउंट तक के वाद को सुन सकते हैं, ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी कहते हैं। खैर हाई कोर्ट और जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऐसा कोई जो है बाउंडेशन नहीं है कि वो इस लिमिट तक ही सुन सकते हैं, वो उनके पास अथाह उनकी जो है लिमिटेशन है। तो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए किसी कोर्ट की उसको सुनने की। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई लैंड जो है अगर वाराणसी में है और डिस्प्यूट हुआ है, जबकि उसमें जो प्लेंटिफ है वो कहीं और रह रहा है, अगर इलाहाबाद में रह रहा है और इलाहाबाद में केस दायर करता है, तो ये बनारस कोर्ट को सुनने का अधिकार है। इलाहाबाद के कोर्ट को बनारस के क्षेत्र में होने वाली जमीन के बारे में विवाद को सुनने का अधिकार नहीं है। इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ज्यूरिसडिक्शन के बारे में एक अलग वीडियो लेक्चर में। डिक्री या हुक्मनामा किसे कहते हैं, इट इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ जजमेंट। किसी भी जजमेंट का, किसी भी निर्णय का जो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, सुनाया जाता है किसी भी सूट में, किसी भी वाद में, उसको डिक्री कहते हैं। ये जजमेंट के बाद आती है और इट डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टी, और ये पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करते हैं कि आपका अधिकार यहां है, आपका अधिकार यहां है, ठीक है। तो किसी भी वाद में पार्टीज के राइट को डिटरमाइन करने के लिए जजमेंट के बाद डिक्री जो है सुनाई जाती है। बात आती है इंडिजेंट पर्सन कौन है, अभागा व्यक्ति कौन है। अ पर्सन हु इज पेनीलेस, जिसके पास कुछ है ही नहीं, पाउपर, इसको पाउपर पर्सन भी कहते हैं, पुअर, गरीब है बिल्कुल। ही इज द पर्सन हु इज अनेबल टू पे कोर्ट फीस फॉर द कंटिन्यूइंग द सूट। किसी भी वाद को लगातार चलाने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, वो कोर्ट की किसी फीस को देने के लिए कैपेबल नहीं है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन आप दो लाइन में इसको जानते रहिए। रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, प्रतिकृति किसे कहते हैं। रेप्लिकेशन इज द प्लीडिंग बाय प्लेंटिफ। रेप्लिकेशन क्या है, प्लेंटिफ का प्लीडिंग है इन आंसर टू डिफेंडेंट्स प्लिया। अब जैसे सबसे पहले तो प्लेंट लेकर आएगा प्लेंटिफ, मतलब कि वादी अपना जो है अभियोग लेकर आता है, प्लेंट लेकर आता है, प्रतिवादी उसका रिटन स्टेटमेंट देता है। प्रतिवादी क्या करता है, WS अपना देता है, उसके उसके लिखित अपना बयान वहां पे कराता है। उसके बाद जब डिफेंडेंट अपना WS दे देता है, तो उस WS के अगेंस्ट में फिर से प्लीडिंग डालना प्लेंटिफ का, वो रेप्लिकेशन कहलाता है। रिजॉइंडर क्या है, प्रतिउत्तर क्या है, अ प्लीडिंग मेड बाय डिफेंडेंट, फिर से एक प्लीडिंग डाली गई डिफेंडेंट के द्वारा इन रिस्पांस ऑफ द प्लेंटिफ्स रेप्लिकेशन। जो प्लेंटिफ ने रेप्लिकेशन डाली, उस रेप्लिकेशन के आंसर में रिजॉइंडर प्लीडिंग डाली गई जो है फिर से डिफेंडेंट के द्वारा, तो इसको हम लोग रिजॉइंडर या प्रतिउत्तर कहते हैं। तो बातें समझ में आ रही होंगी। प्राइमा फेसिया केस, प्रत्यक्षतः, इट मींस द वे केस अपीयर्स टू बी ऑन द फेस एंड फर्स्ट इंस्टेंस। पहले इंस्टेंस में जो केस अपीयर हो रहा है उसी को हम लोग प्राइमा फेसिया केस कहते हैं। तो अक्सर हमारे अधिवक्ता इसके बारे में बात करते हैं कि प्राइमा फेसिया है सर, इसमें तो सब कुछ प्रत्यक्षता प्रदर्शित है, आप माई लॉर्ड इस पे कुछ भी तथ्य छिपे नहीं है, सब कुछ प्रत्यक्ष है, और आप इसको बिना देरी किए जो है इसका जजमेंट सुनाइए, डिग्री दीजिए। कॉग्निजेंस, संज्ञान होना, टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ अ केस मींस टू टेक इनटू नॉलेज। मतलब कोई केस
अगर हो गया है कि इस प्लेंटिफ ने डाल दिया और आपको उसका सम्मन मिल गया, तो मतलब सम्मन मिलना ही कॉग्निजेंस है, कॉग्निजेंस हो गया, आपको संज्ञान हो गया उस केस के बारे में कि आपके अगेंस्ट में केस हो गया, तो ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कॉग्निजेंस। काउंटर क्लेम क्या है? जवाबी दावा। इट इज लाइक अ क्रॉस सूट बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ इन आंसर ऑफ द क्लेम रेज्ड बाय द प्लेंटिफ। अगर वादी कोई वाद लेकर आता है, उसमें कोई क्लेम करता है, और प्रतिवादी अपने उत्तर से पहले कोई काउंटर क्लेम भी कर देता है, या उत्तर के साथ ही काउंटर क्लेम भी करता है कि साहब ये जो पैसे की बात कर रहे हैं, कि ये जो क्लेम कर रहे हैं, मैंने भी इनको कुछ पैसा दिया है, मेरा भी कुछ बाकी बकाया है, उसके बारे में इन्होंने अपने क्लेम में नहीं बताया है, तो साहब मेरा भी पैसा दिलाया जाए, तो इसको कहते हैं काउंटर क्लेम, जवाबी दावा। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस, आपके धैर्य के लिए धन्यवाद जो आपने लास्ट तक मुझे सुना है। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।